आज हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास पर अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के बाद लोग उत्साहित नजर आए। कई महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने न केवल उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, बल्कि मुलाकात के दौरान लगा कि जैसे वे अपने परिवार के मुखिया से बात कर रही हों। समस्या चाहे एलनाबाद के किसानों की हो या JBT शिक्षकों की, चाहे कॉलेजों में लगे एक्सटेंशन लेक्चर्स की, हर कोई मुलाकात के बाद बहुत ही प्रसन्न व संतुष्ट नजर आया। मुलाकात के दौरान एलनाबाद के किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानी का प्रतीक चिन्ह हल भेंट कर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल में एलनाबाद के गांव राजपुरा, सहनी व आसपास के किसान शामिल थे। किसानों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि उनके क्षेत्र में माइनर का निर्माण होने से हर खेत में पानी मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा कई विकास कार्य भी करवाए गए हैं, जिनका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। किसानों ने कहा कि विकास क्लब के माध्यम से भी गांवों में सामाजिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने किसानों से उनकी स्थानीय बोली में बातचीत की और क्लब को 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इनकी जो ड्यूटी हम लगाएंगे, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा रेमुनरेशन भी देंगे, ऑफ टाइम में लगाएंगे, स्कूल के बाद करें, स्कूल में ना करें, ऑन ड्यूटी बिल्कुल नहीं कराना मैंने। दूसरा, छुट्टी के दिन करें, एक्स्ट्रा पैसे देंगे हम, छुट्टी के दिन करें। तीसरा, ऑप्शन लेंगे, जिसने करना है, जिसको लगता है कि मुझे समाज में कोई भलाई का काम करना है, यह पुण्य सेवा का काम, भलाई का काम, ये काम मेरा बिल्कुल एकदम जिसको करना चाहिए ना, वेरी नियर टू माई हार्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि मुझे 1 लाख गरीब परिवारों को तुरंत उनको सहायता करनी है। जैसे घोषणा हुई है, पिछले वर्ष हुई थी श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में, तो आज हम उसी के रिगार्डिंग CM साहब को मिले थे, उनका धन्यवाद भी प्रकट किया और आगे हमने अपने समाज की तरफ से डिमांड भी रखी और पूरे प्रदेश का विश्व स्तरीय गुरु रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में बनने जा रहा है 5 एकड़ भूमि में, CM साहब ने घोषणा की हुई है, उनका आभार प्रकट करने के लिए भी आए थे और अपना मांग पत्र भी देने के लिए आए थे। तो ये थी हमारे वहाँ पे मंदिर में छात्रावास है, जिसमें हमारे सैकड़ों बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि आप छात्रावास के निर्माण के लिए हमें राशि मुहैया करवाएं, ताकि गरीब बच्चे अच्छे तरीके से, सुनिश्चित ढंग से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। CM साहब ने बहुत आश्वासन दिलाया और कहा कि हम इस पे विचार करेंगे। उन्होंने बारीकी से सुना, समझा और फिर हमारे को बिल्कुल सेटिस्फाई रिप्लाई किया, जिससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से डिप्लोमा वेटनरी एसोसिएशन की मुलाकात हुई और हमारे काडर की 6 मुख्य मांगें थी, जिसमें से 5 पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताते हुए 2 महीने के अंदर उनको पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य मांग हमारी BLEO को गजटेड ऑफिसर बनाने की थी और उस पर CM साहब ने कहा कि 2 महीने के अंदर इस पर अधिकारियों को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। और दूसरी सबसे पॉजिटिवली मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है VLD कार्डर की, उसको तुरंत +2 एनी स्ट्रीम से +2 विद मेडिकल किया जाए और इस बारे LOAS से रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिए अधिकारियों को नए सेशन से VLDA की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 विद मेडिकल की जाए। पैरावेटरनी काउंसिल बनाने पे भी CM साहब ने कहा है, हिमाचल प्रदेश में जो पैरावेटरनी काउंसिल बनी है उसको स्टडी करके जल्द से जल्द इसको लागू करो। और चौथा जो हमारी डिमांड थी BVSC में एंट्री करने के लिए, इस पे भी CM साहब सहमत हुए कि VLDA की हायर एजुकेशन मिलना जरूरी है और उसके लिए प्रदेश में जो 5% सीटें BVSC में VLDA की रिजर्व की जाएँ। सभी मांगों पर सहमति हुई है और एसोसिएशन को पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करेगी। हम हायर एजुकेशन से हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर, तो हम CM साहब से अपनी एक मांग रखने के लिए आए थे कि हमारे कुछ मित्रगण डिस्प्लेस हो गए थे वर्कलोड की वजह से, तो CM साहब ने, और अभी हमारा वर्कलोड असेस नहीं हुआ था, तो CM साहब से मिलने के बाद CM साहब ने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर वर्कलोड असेस होगा और जो भी मित्रगण हमारे बाहर रह गए हैं और जहाँ जहाँ भी वर्कलोड है उन सबको एडजस्ट किया जाएगा, और ये 10 दिन का टाइम दिया CM साहब ने। ये जो 10 दिन का डेडलाइन दिया, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि 6 महीने से हम परेशान हो रहे थे। जब भी हम डिपार्टमेंट में जाते थे तो एक ही बात होती थी कि अभी वर्कलोड नहीं बना, अभी वर्कलोड असेस नहीं हुआ,
अगर वर्कलोड असेस नहीं हुआ तो आज सीएम साहब से मिलने के बाद जब सीएम साहब ने कहा कि 10 दिन में हो जाएगा तो हम बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत ही ध्यान से सुना और जैसे कि हमने उनको ये बोला कि अभी तक वर्कलोड असेस नहीं हुआ है और जो हमारे डिस्प्लेस कैंडिडेट्स हैं वो भी अभी डिस्प्लेस ही हुए बैठे हैं, उनको अभी नौकरी नहीं मिली है, तो उन्होंने तुरंत ही जो भी वहाँ पे ACS सर जो भी डिपार्टमेंट से आए हुए थे उनको ये वो दिया कि ऑर्डर दिया है कि तुरंत प्रभाव से डिले ना करते हुए आप 5 अप्रैल तक जो है वर्कलोड असेस कर लें। CM सर ने जो आश्वासन दिया है हम उससे बहुत खुश हैं। अंतर जिला जो तबादले हुए थे उस सूची को लागू करवाना और जल्दी सामान्य तबादले भी करना। एक गैर शैक्षणिक कार्यों में जो अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है उसको लेके थी। एक स्कूल मर्जिंग जो अभी पीछे 157 स्कूल मर्जिंग का विभाग का आदेश आया था उनको लेके CM साहब से हम आज मिले थे। तीनों डिमांडों पर CM साहब ने कहा है कि अंतर जिला जो सूची है अप्रैल में लागू कर दी जाएगी, जो और जो आपके अध्यापक साथी बच गए उनके लिए दोबारा आवेदन मांग लिए जाएंगे। उसके बाद जो सामान्य तबादले हैं वो भी अभी जल्दी शुरू किए जाएंगे। जो गैर शैक्षणिक कार्य की ड्यूटी थी परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए उसमें कहा है कि हम आपसे वैकल्प मांग लेंगे, जो करना चाहें कर लें स्वेच्छा से और जो नहीं करना चाहें हमारे पास और संसाधन है उनसे हम वो ड्यूटी करवा लेंगे, हम प्रेशराइज नहीं करेंगे शिक्षक को। और जो स्कूल मर्जिंग की थी स्कूल मर्जिंग में कहा है कि अभी हम नहीं कर रहे, उसके लिए हम भूमिका बना रहे हैं, आप स्कूलों में एडमिशन बढ़ाएं, हमने विश्वास दिलाया है कि हम स्कूलों में एडमिशन बढ़ाएंगे और उन स्कूलों को बचाने का प्रयास करेंगे। CM साहब आवाज़ से फ़ोन गया था कि भाई आपकी समस्याएं हैं जो मुख्य मांगे हैं वो हमें बताई जाएं, उनके ऊपर CM साहब चर्चा करेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का। तो आज ये बिल्कुल है कि CM साहब ने उन मांगों के ऊपर कार्य करके उनको दूर करने की जो हमारी समस्याएं हैं हमारी मांगे मानने का काम किया है और हम चाहेंगे कि आगे भी इस तरह CM साहब हमें बुलाएं और हमारी समस्याओं को सुने।